हेलो गाइज, वेलकम टू टैग बिला यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अच्छे अच्छे फोटो एडिटिंग एप्स जो है हम आप सभी के बीच में लाते रहते हैं और उनको कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताते रहते हैं। तो हमारे चैनल में आपको लगातार फोटो एडिटिंग से रिलेटेड आपको ऐप्स में मिलते रहेंगे वीडियो। इसके अलावा आपको नई नई सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जानकारी भी मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे वीडियोज मिलते रहें। फिलहाल जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो है, तो यहाँ हम देखने वाले हैं फेस मी फोटो एडिटर एंड एआई आर्ट ऐप। हम इस वीडियो में चलाने कैसे चलाना है, कैसे यूज़ करना है और इसके अंदर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो ऐप तो काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं वो कई फीचर्स आपको अलग ऐप में पैड में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ फ्री मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐड वगैरह इसमें चलेगी। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है और वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर जाएँ। दोस्तों, ये ऐप है फेस मी आई आर्ट फोटो एडिटर और इसके डाउनलोड्स की बात करें तो 50 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड हो चुके हैं। और इसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, तो एआई फेस स्वैप कर सकते हैं आप इसमें, इसके अलावा रिवर्स कर सकते हैं अपनी एज को, जनरेट कर सकते हैं लिंक्डइन पोर्ट्रेट, देन सेंड इट टू योर स्टनिंग ड्रेसेस, ठीक है, लवर, ओ माय गॉड, लड़का लड़की की फ़ोटो लगा के आप उसको उनको लवर बना सकते हैं, मतलब लवर हैं तो, ठीक है। इसके बाद में डिस्कवर योर एआई अवतार बना सकते हैं, क्रिएट डेटिंग पिक्चर, बला बला जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए हम चल सकते हैं ऊपर और इसको कर लेते हैं ओपन। ओपन होते ही साथ ही हमसे पूछता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हमें हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा अगर आपको कुछ और आती हो फ्रेंच, इटालियन और इसके अलावा, तो चलिए इंग्लिश ही रहने देते हैं और सेव पे क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है कुछ चंदा आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे वीकली या ईयरली पैक दिया है, ऊपर क्रॉस का बटन है, क्रॉस के बटन को दबा दीजिए अगर नहीं चाहिए तो। और इसके बाद में आपके सामने चलेगी एक एडवर्टाइज, एड को बंद करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड एनी पिक टू स्वैप, स्वैप फेस नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपसे बोलेगा कि आप एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए, गैलरी से डाल लीजिए या फिर आप यहाँ पर फ़ोटो अपनी अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आप अपनी गैलरी ओपन हो जाता है। इसके बाद में आपको एक फ़ोटो वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपकी फ़ोटो इस तरह से ले लेता है। इसके बाद में आप इसको कैसे रखना चाहते हैं, 4:5 के रेशियो में, 5:5 के रेशियो में, 3:2, 4:2, 1:1, जो भी आपको रेशियो रखना है आप उसमें रख लीजिए। रखने के बाद में आप इसको जो है सेट करके और राइट टिक पे ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपका चेहरा पड़ेगा, पढ़ने के बाद में आपको सबमिट करना होगा, जो है वो आ चुका है। ऐड चल रहा था, ऐड हमारा हो चुका है ख़त्म। और ऐड योर फेस टू स्टार्ट, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट फेस यू वांट टू स्वैप, तो किसके फेस के साथ आप स्वैप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे उसको ऐड कर लीजिए। इसके बाद ये कह रहा है कि आपका खुद का ही चेहरा आप अगर कहीं और है तो उसको स्वैप करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ सेलेक्ट करिए, या फिर आप जो ऑथेंटिक हो, ऑथेंटिक रहें, मतलब कि आप दूसरे के साथ कभी मजाक मस्ती नहीं करिए। आपको ध्यान रखना है कि जो जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड करते हैं या जिसकी जगह पे आप फ़ोटो ले रहे हैं, तो उसको ध्यान रखिए कि वो हमेशा ऑथराइज होना चाहिए। ऑथराइज मतलब ऐसा नहीं कल को आप उसके कारण आपको जेल हो जाए, तो बिल्कुल सोच समझ के ही उस व्यक्ति से स्वैप करिए जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। तो गॉट इट पे हम क्लिक कर देते हैं और गैलरी से एक फ़ोटो उठा लेते हैं। फ़ोटो हमेशा अच्छी होनी चाहिए, किसी प्रकार का चश्मा वश्मा नहीं लगा होना चाहिए। तो हम यहाँ से एक डेमो इन्होंने ऊपर दिया है, तो हम उसी डेमो में एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं और डेमो सेलेक्ट करके यहाँ पे हमारी वो फ़ोटो है, सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं। करने के बाद में हमारा फेस उठा के वो उस डेमो वाली फ़ोटो में लगा देगा। तो यहाँ पर हम स्वैप फेस नाउ पर हमें क्लिक कर देना है दोस्तों, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा फेस स्वैप हुआ है और ऐसा स्वैप हुआ है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो को जाती है। स्क्रीन ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ पहले से मॉडल्स दिए हुए हैं जिनमें आप अपना फेस स्वैप करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए एक कोई भी उठा लेते हैं, ये उठा ली, और हमने नीचे आपका प्लस वाला बटन है जिस पर आपको क्लिक करके आपको गैलरी से फ़ोटो उठा लेना है। तो हमने गैलरी से एक फ़ोटो उठा लिया अपना और सबमिट पे हमने क्लिक कर दिया है। फ़ोटो हमारी एकदम चकाचक है, देखने में घचाघच है, और यहाँ पे हमारा ऐड चलेगा, ऐड चल जाने दी। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा चेहरा जो है एक जवान लड़का या कह लीजिए एक युवा लड़का जिसमें मेरा चेहरा फिट हो चुका है, और मैं भी अपने आप को एकदम युवा महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे हम उस पर फिंगर रखते हैं तो ये वापस पलड़े आता है, और जैसे ही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे में मेरे चेहरे में थोड़ा सा फ़र्क है, ज़रूर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और यहाँ पर मेरा फेस लग चुका है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और करने के बाद में अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर डाउनलोड वाला बटन उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद नीचे एक बटन दिया डाउनलोड का, उस पर क्लिक कर दीजिए और ये हमारा सेव हो चुका है एल्बम में, हमारे मोबाइल के अंदर में। बहुत अच्छी बात है दोस्तों।
अब यहाँ पे आपको देखा होगा आपने जब डाउनलोड पे गए तो यहाँ पे एक फेस मी वाला ऑप्शन है, जैसे ये क्रॉस का बटन है वहाँ पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा एक ऐड चलेगा। देखिए वॉच वीडियो, अगर वीडियो देख लेंगे तो ऐड आपका वहाँ से जो आपको वाटर मार्क वो भी वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको एडिटिंग आप इसमें कर सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों नीचे आपको कुछ ऐसी फ़ोटो दिख रही हैं जिसमें कि आपको डबल डबल यहाँ पे कपल्स हैं उनमें अगर आप अपना ये लगाना चाहते हैं फेस तो वहाँ पे भी आप अपना फेस लगा सकते हैं। यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको दिया होता है एक लड़के एक लड़की का, देखिए जैसे ये किया हमने तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं एक बॉय का और एक गर्ल का, तो दोनों में आपको अपना अपना फेस यहाँ पे लगा देना है और वो वहाँ पे फेस वहाँ से हमारा लगा देगा दोस्तों। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा नीचे गर्ल्स बॉयज़ मॉडल्स है ना, अलग अलग तरह से डॉक्टर है ना, इंजीनियर और बला बला बहुत सारे मॉडल, तो उन पे भी आप अपना फेस स्वैप यहाँ पे कर सकते हैं। उन पे जस्ट आपको एक अपना लगाना है फ़ोटो और उसको वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी किया है, बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पे फेसेस लगाते जाना है सभी के और आपका फेस स्वैप वहाँ पे हो जाएगा और आप जो है बन जाएंगे सिकंदर के भी सिकंदर। और उसको फिर सेव करिए, शेयर करिए, दुनिया में जहाँ जाना चाहे वहाँ शेयर करिए। अब यहाँ पे होम वाला बटन है, होम वाले बटन में आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि AI फोटो एनहेंसर, जहाँ पे आप फोटो एनहेंस करना चाहते हैं तो अपनी फ़ोटो को आप एनहेंस भी कर सकते हैं। बीच में ऐड चलेगी, मुझे लगता है हर बटन दबाने में एक ऐड चलती है दोस्तों। तो चलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक फ़ोटो उठा ली है और अब वो फ़ोटो जो है फिर ऐड चलेगी। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा फोटो यहाँ पे एनहेंस करने का ऑप्शन, नीचे आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि एनहेंस वाला ऑप्शन है जिसमें हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं फिर एक ऐड चलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा एक एनहेंस का ऑप्शन लगाया है जो कि हमारे यहाँ पे हो चुका है एनहेंस। इसके बाद में इफेक्ट वाले ऑप्शन है जहाँ पे आप अलग अलग बहुत सारे इफेक्ट लगा सकते हैं। इस स्वैप का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप बड़े बुजुर्ग अगर बूढ़े बनना चाहते हैं तो यहाँ पे 70 साल में आप कैसे देखेंगे वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो वो भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे एक ऐड चलेगी, चलने दीजिए या फिर स्किप पे क्लिक करके स्किप भी कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एक ऐड चल चुकी है। ऐड चलने के बाद मैं आपको खुद का चेहरा, मुझे एक्चुअली इन्होंने एक लड़की का चेहरा यहाँ मुझे बना दिया है। मैं सोच रहा था कि शायद कोई लड़के का चेहरा आएगा लेकिन यहाँ लड़की का चेहरा है और ये मुझे मेरा बुढ़ापा नज़र आ रहा है सामने दोस्तों। हालांकि ये मेरा बुढ़ापा नहीं है क्योंकि मैं आंटी लग रहा हूँ अंकल की जगह। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास था ये। और इसके बाद हम इफेक्ट से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद में फ़िल्टर का ऑप्शन है, फ़िल्टर में भी आपको बहुत सारे अलग अलग फ़िल्टर हैं उनको आप लगा के यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जो आपके काम के फ़िल्टर हों। इसके बाद स्टीकर का ऑप्शन है, टेक्स्ट ऑप्शन है, ब्रश का ऑप्शन है, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है ना, ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन है। इसके अलावा एडजस्ट का ऑप्शन है जहाँ पे आप अपनी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। बॉर्डर आप यहाँ पे कम ज़्यादा करते हैं। तो ये सब करने के बाद ऊपर आपको डाउनलोड वाला बटन है, उस पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें कर, इसी तरह से दोस्तों आपको और भी चीज़ें यहाँ पर दी हैं, बहुत सारे ऑप्शन दिए कलर आइज का, रिमूव बैकग्राउंड का, अलग अलग, इनको आप सबको ट्राई कर सकते हैं। बस बशर्ते वही है कि एक बटन दबाई नहीं कि ऐड आपकी चलेगी चलेगी। तो बस अगर ऐड से ही आप थोड़े से यहाँ पे परेशान होंगे क्योंकि हर बटन में ऐड लगा हुआ है, तो बाकी तो ये ऐप जो अच्छा है आपको सारे ऑप्शन, बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं और ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं सारे फ्री में तो आप यहाँ पे ऐड देख के उन्हें ऑप्शन